ये रानी हेलो गाइस, आज कितनी तारीख है? आज 7 तारीख है। 7 तारीख है। आज आप सबको पता चल गया होगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पहले आप सबको कुछ दिखा देते हैं। हम लोग देखो मेरे पापा क्या लाए मेरे लिए, वो भी इतनी अच्छी सी घड़ी। भाई इसमें लाइट भी जलती है, आपको दिखाएंगे। पापा इसको पकड़ना चलो लो, लो। दे देख लीजिए, बहुत अच्छी लाइट जलती है। और मैं इसके साथ बहुत गया हूँ, लेकिन इसका जो पिनर है ना बहुत टूट गया है। अच्छा। तो आप सबको पता होगा आज हम लोग क्या बोलते हैं, मेरे कपड़े लेने जा रहे हैं और मम्मी के और दीदी के और पापा के। अच्छा। सबके कपड़े एकदम खत्म हो गए हैं। हाँ। तो हम सब अभी जा रहे हैं वहाँ पर लेने। और क्या बोलते हैं, हम सब क्या बोलते हैं, जाएंगे तो हम लोग वहाँ पर थोड़ी मस्ती करेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे, उसके बाद अच्छा थोड़ा बहुत कुछ वहाँ पर कुछ खाएंगे, उसके बाद अच्छा। आएंगे कपड़ा लेके, है ना। तो बहुत सारी मस्ती करेंगे, पापड़ खाएंगे, कुछ और खाएंगे, सब कुछ खाएंगे, लेकिन पढ़ाई तो जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के न्यू व्लॉग। जैसा कि बाबू ने भाई इंट्रो दे दिया, आप समझ गए होंगे कि आज हम जा रहे हैं कहाँ। शॉपिंग करने तो नहीं जा रहे फिलहाल, एक्चुअली क्या है कि नन्नू का आधार कार्ड में कुछ अपडेशन है, बायोमेट्रिक कराना है और उसके स्कूल में लगना था और आगे नीट के एग्जाम के लिए भी है, तो बहुत सारी चीज़ें करनी थी। इसके लिए जाना है अक्षरधाम आधार कार्ड ऑफिस, तो वहाँ चलते हैं फटाफट, जो भी अपडेट है वो कराते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे क्या होगा। और काम बहुत सारे, दिन छोटा पड़ रहा है काम करने में। देखो मेरा बाबू रेडी हो चुका है, नन्नू का आधार कार्ड ले लेंगे। हाँ हाँ। उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग के लिए। वेरी गुड, चलो तो चलते हैं गाइस फटाफट। देखो डॉक्यूमेंट ले लिए, ये रख दो इसी में, सब रख दो। रिपोर्ट का लगा सर, कौन सी रिपोर्ट? बब्बू की है ना। अब अलग कहाँ रखेगी तू यार, ये 10वीं से स्कूल का तेरा। हाँ तो रख लेना, ये रख ले इसमें तू। हाँ रख ले, तेरा वो तो चाहिए होगा ना इसके अंदर, ये रख ले। चलो भैया आधार कार्ड नहीं बेटा, आपकी फाइव वो है ये। चलो ये क्या चीज़ है, ये तो दुकान का, ये छोड़ो। चलो पेन रख लो, बाकी तेरे डॉक्यूमेंट ले ले, आधार कार्ड तेरा सभी है। हाँ बेटा चलो चलो, शूज पहनो फटाफट, चलो चलो भाई चलो। हैंकी रखोगे बेटा, हैंकी रखोगे? हैं हैंकी रख लो, ले जाली लो। अरे इसे रखो 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 रखो, पैंट पे रख लो ना, कोई बात नहीं। अभी पहले शूज पहन लो, ये सॉक्स पहन लो, चलते हैं फिर। तो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं नन्नू का आधार कार्ड लेने। तो अब क्या बोलते हैं, हमको टाइम लगेगा वहाँ जाने के लिए। तो क्या बोलते हैं वहाँ पर, अभी क्या बोलते हैं हम लोग ऑटो में हैं, देख रहे होंगे हम, मेरे बाल उड़ रहे हैं। जाके क्या बोलते हैं बाहर बहुत गेट, क्या बोलते हैं पर्दा, क्या बोलते हैं हटा हुआ है, हवा आ रही है बाहर से अंदर। तो क्या बोलते हैं हम बस अंदर, वो क्या बोलते हैं वहाँ पर आधार कार्ड लेने के लिए पहुँचने वाले हैं। चलो अपडेट मिल गई, चलते हैं वहाँ, पहुँचते थे दिखाते हैं। बड़ी भीड़ भीड़ सी लग रही है, चलो राजा सबको अपॉइंटमेंट का चक्कर है। तो गाइस देखो भाई, आधार कार्ड काम तो हो गया, इतनी भाग दौड़ में हुआ क्योंकि अंदर जाने का मौका नहीं लगा और अंदर फोन वगैरह अलाउ नहीं कर सकते, तो हम दोबारा ऑटो में बैठ गए। देखो बाबू भी है बैठा, बाबू को चीज़ भी नहीं दिला पाया क्योंकि घर पे ना गीजर वाला आ गया, और आपको बताऊंगा गीजर हो गया ख़राब हमारा। तो इतनी देर सुबह कल से वेट कर रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा था, और आज जब मैं वहाँ पहुँच गया तो ये अब आया है। तो सबकी कहानी यही है, मेरे साथ तो यही होता है कि एक काम कोई आएगा नहीं, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ कोई नहीं आया। हो गया नाटक चालू, तो वही चलते फटाफट जल्दी से। आपका ही हुआ है जो बोल रहे हो, आपका ही हुआ है नाटक। अच्छा वो पहले से आ रखे थे। कौन भाई? जो फ्यूचर वाले। वो कब आए थे जरा बताइए आपको पता? जब आप क्या बोलते हैं वहाँ घर पे भी थे ना। हाँ। जब भी थे घर पे, कभी दुकान पे चले जा रहे थे, कभी शॉपिंग कर रहे थे, राइट भाई साहब? क्या बोलते हैं मेरे को दिख रहे थे वो अंकल। चलो भाई अब जैसा ये करे ऐसा मान लो भाई, बाकी चलते फटाफट घर चल रहे हैं फटाफट। वो आ इंतजार कर रहा है तो उसको लाके दिखाते हैं, और जो भी होगा इसको इंस्टॉल कराते हैं अपना नया गीजर, फटाफट दिखाते हैं। अभी तो वही गाड़ी में बैठे हैं, तो काम हो गया बढ़िया।
चलो चलते। राइट कौन सा हाथ है आपका? राइट हैंड कौन सा है? हाँ तो ये वाला है। चलो ऐसा आगे जल्दी फटाफट चलते हैं, देखो क्या कर रहा है वो गीजर वाला हमारा बाबू। अभी बाबू को चीज़ भी दिलानी है अभी। हाँ। और पापा गुस्सा हो रहा है। नहीं गुस्सा नहीं है। चलो पता नहीं काम आ गया है तो हमें खुद काम करने पड़ रहे। देखो ये गीजर हमारा नया वाला हैवेल्स प्रो डीएक्स 25 लीटर का बढ़िया मस्त। तो अब ये पुराना वाला देखो हमारा खराब हो गया है सारा मीटर और मीटर करो गीजर पूरा। देखो पाइप देखो सड़ गई है, देखो पूरी बेकार हो गई, लीक हो गया टैंक इसका यहाँ से। तो ये देखो अभी ग्रैंडर लाए थे तो यहाँ देखो पूरा वहाँ लगना है गीजर हमारा। तो भाई अब ये एसेसरीज है कुछ, इसको जरा रेडी करते हैं और इसको रेडी करने के बाद फिर हम लगा देंगे गीजर। तो पहले इसको तैयार कर लें। अब वहां से देख लो तेरा सीधा है, सीधा ना तेरा भी होगा तो भी सीधा हो जाएगा। ठीक है जी भाई, जॉइंट की जरूरत नहीं है, वापस कर दो उसको, खोल दो ऐसे लग जाएगा ये। हाँ ये आ तो गया। और दूसरा देखो, दूसरा भी आ जाएगा, वो तो नजदीक है। अच्छा ये नजदीक है ना, तो ये आराम से वो निशान ना पड़े। नहीं निशान तो नहीं पड़ेगा, निशान क्यों पड़ेगा? इतने बोलना कि भाई हमारा काम हो गया इसलिए वापस कर रहा हूँ। हमको शौक थोड़ी है तो बदलने या लेना। अच्छा हुआ ना, एक महीना हो गया। हाँ आप चेक कर लो, ये मैं भी कर रहा हूँ आप भी कर लो, आ जाओ। नहीं वो आप देख लो अपने हिसाब से। हाँ हमने देख लिया, आपका दरोसा काम है मेरे क्या दरोसा काम। हाँ वो तो बात ठीक है, यहाँ से निकल दी थी, लगा दिया टेपनर, थोड़ा सा टेपनर की जरूरत नहीं पड़ती, पता नहीं केस की वजह से हो सकता कहीं लूजिंग वूजिंग नहीं होगा। हाँ, आया होगा अब सही हो गया ना। हाँ ठीक है, अभी दो मिनट और रुकते हैं ना। चल गया भाई, यहाँ तो नीला नीला चल गया, ठंडी है। ठीक है तो गाइस देखो भाई ये चल गया हमारा, अब गीजर लग चुका फाइनली, बैंक गया हमको उसमें लगा लिया, पावर का बटन जल रहा है और यहाँ पर ब्लू लाइट जल गई, पता नहीं रोशनी भी दिख नहीं रही, दिखाता हूँ देखो ये ब्लू लाइट जल गई है और ये भाई गीजर हमारा बढ़िया मस्त। तो अब ये फाइनली गीजर चालू हो गया हमारा, अब थोड़ी देर चला के देखते हैं कि अभी पानी आता है गर्म कि नहीं। ठीक है अभी थोड़ी देर चलने दें। ठीक है चलो, चालू तो हो गया, यहाँ पर चालू हो गया, देखो लाल लाइट जल रही है, लाल लाइट जल गई और यहाँ पर ब्लू, यानी कि अब ये पानी गर्म कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं पानी गर्म आता ही नहीं है ना। चलो चलो भाई गाइस, तो फाइनली हमारा ये लग गया भाई गीजर और अब चलते हैं नीचे, फिर देखते हैं पानी गर्म आता है कि नहीं। तो गाइस देखो भाई गीजर लग चुका है, सुबह से शाम हो गई कुछ ना कुछ काम करते करते, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है भाई। आधार कार्ड भी अपडेट हो गया है, गीजर भी फाइनली चालू हो गया, चेक करके देखा भाई गर्म पानी आने लग गया। और इतने दिन से यार ये सब कुछ घर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है कि टाइम ही नहीं लग रहा है, मम्मी की प्रॉब्लम, फिर बाहर जाया इधर ये घर में काम, बिल्कुल ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। लेकिन आज बड़े दिनों का टाइम निकाला कि चलो भाई आज से ब्लॉग शुरू करते हैं। तो भाई देखो आज दिन में आपने बाबू ने दिखाया होगा आपको, हम कहाँ गए थे, आधार कार्ड के ऑफिस गए थे नन्नू के काम के लिए, अभी नन्नू के और भी काम हैं, उसके एग्जाम्स के लिए अभी और भी फॉर्म फिल करना है। तो फटाफट बहुत सारी चीज़ें देखो यहाँ, ये मेरा बेटा ये क्या खा रहे हो? और भाई गुड़िया ने अभी बनाया बहुत ही मस्त, देखो क्या देखो ये बनाया भाई उपमा। तो भाई बड़े दिनों बाद बनाया क्योंकि अब मेरे पेट आजकल मेरा प्रॉब्लम चल रहा है तो इसलिए मैं कुछ बना नहीं रहा हूँ घर में, और मम्मी की भी तबीयत ऐसी थी तो सब कुछ सादा खिचड़ी दाल चल रहा है। तो आज बड़े दिनों बाद हमने उपमा बनाया है और मेरा बेटा बाबू खाओ। मैं उपमा नहीं खाता। क्यों नहीं खाते? खा के देखो, ये नमकीन हलवा है। तो भाई देखो क्या मस्त लग रहा है, एकदम बढ़िया ये है उपमा। तो अब हम खाते हैं इसे, क्या स्मेल आ रही, बढ़िया बढ़िया मस्त वाली फ्रेग्रेंस आ रही समझ लो तरीके से। तो भाई ये मेरा बाबू और ये मेरा हाथ में ऊपर वाइट वाइट प्लेट में, क्या मस्त लग रहा है। तो चलो भाई खाते हैं और शुरू करते हैं, आज बड़े दिनों बाद बनाए और बड़े चला भाई खाते हैं। नन्नू कहाँ गई? अच्छा उधर नन्नू गई है भाई समोसे खाने, साथ वाले पड़ोस के घर में बनाया समोसा वो खाने के लिए, उसे इन्विटेशन मिला है और मेरा बेटा खाएगा ये। चलो खाएंगे समोसे भी आएंगे, बनाएंगे मम्मी बनाएंगे तो खाएंगे ना बाबू। ठीक है तो चलो गाइस खाते हैं और अभी खा के बताता हूँ आपको कैसा लग रहा है। गरम गरम तो है,
मस्त है भाई, बड़े दिनों बाद मना, सही हो गया एकदम बढ़िया, चकाचक। चल बाबू खा के देख, देखिए एक बार काजू खाओ, काजू अच्छा ये काजू तो खाओ, ऐसे नहीं करते, खा के देखो। कुछ तो खा लो मेरे लाल, वो चीज थोड़ी खाते हैं, ये अच्छी चीज खाओ। चलो गाइस इसको मनाते हैं और इसको खाते हैं और फिर मिलते हैं। आज का दिन तो ऐसे ही ऑलमोस्ट चल रहा है, देखते हैं घर में क्या है, रात में क्या बनेगा, फिलहाल अभी सोचते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो आज जो भी कुछ हम शूट कर पाए, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगा कि शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि काम कर रहे थे, खुद ही जाना पड़ता है इधर उधर, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन जितना भी शूट किया आए हो आप लोगों को मज़ा आया होगा। अभी देखते हैं थोड़ी देर बाद मिलते हैं, रात में बनी रहेगा ब्लॉग के अंदर। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग स्टार्ट किया, देखो यार घर में प्रॉब्लम्स हो जाती है, पहली प्रायोरिटी है फैमिली, उसके बाद सब कुछ सेकेंडरी। तो इसलिए भाई सब कुछ घर में ठीक रहता है तो पूरी इच्छा करती है कि मन से आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करें, चीज़ें शेयर करें। लेकिन अब वो ये कि अब उस टाइम ऐसा मन ही नहीं होता कि हॉस्पिटल में जाएं और घर में किसी की तबीयत ख़राब है तो और हम जाके ब्लॉग बनाएं, पता है मेरे को ऐसे अंदर से वो फील नहीं आती। आई होप और लोग बनाते भी होंगे, वो भी अच्छी भी बात है क्योंकि सब चीज़ शेयर करते हैं, लेकिन मुझसे वो हो नहीं पाता। लेकिन फिर भी जो भी है आपको जैसा भी ब्लॉग दिखा पा रहे पसंद कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बनी रहेगा ब्लॉग के अंदर। तो अभी और मिलते थोड़ी देर बाद। आज क्या बोलता पापा, मेरे लिए ना आज गीजर लग गया था, उसमें ना कुल्ची निकली थी बहुत सारी मेरे लिए। आपको दिखाई कुल्ची नहीं है, वो कुशन है, कुशन कुशन निकला है। वो गीजर के अंदर वो पैकिंग लगाते हैं ताकि वो कुछ वो देखो अच्छे से रहे, इंसुलेट करते हैं। तो ये देखो कितनी अच्छी, ऐसा लग रहा है कि चेयर बैठी, तो बाबू की चेयर बन गई, अभी आराम से इसमें बैठेगा। बैठ जाओ, हाँ बैठो 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 गाइस, बैठ गया मेरा बेटा और ये है भाई इसका छोटा सा कुशन, मस्त। तो चलो भाई गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बने रहिएगा ब्लॉग में। अरे आज लगी है यार, रोड तक लगी है। क्या कह रहे हो आप, तेल लगाओ तेल क्यों लगाना है आप, मैंने तो दिखा दो, तेल क्यों लगाना भाई। लेकिन मैं कैसे करूँ काम बताना, कौन सा काम करना है, पैसे करूँ? नहीं नहीं नहीं, गलत बात, पैसे का आज रोज थोड़ी मेहनत लगी रहती है। लेकिन आज तो लगवाई है, इतनी रात को काम करूं मैं? अच्छा पहले वो जो आपके स्कूल में वो आपकी सहेली चीटिंग कर रही थी बता दो। आपको पता है सानवी ना क्या बोलते, मेरे पेपर में चीटिंग कर रही थी सानवी। हाँ तो मैडम को बताया था आप, कैसे कैसे झांक रही थी, ऐसे ऐसे झांक रही थी, आपने भी लिख रही थी और आपने भी किसी में देखा है? मैं तो देखूंगा, आपको सारा था। हाँ लेकिन मैंने इमला बताया, हम सब लिख रहे हैं। अच्छा चलो ऊपर चलते हैं। बताओ लेट कैसे हुए भाई, गलती हो गई क्या? तो रहा हूँ भाई, ऐसा मुंह मत बनाओ। गलती हो गई, अब देखो गलती गलती बोले जा रहे हैं। अब ऊपर जाऊं? नहीं क्यों, मम्मी आज उतार पहले जैसे मैंने उतारी। चलो भाई मेरे को ऐसे नहीं आती ना। कैसे उतारते हैं आरती, आरती कैसे उतारते बता दो तो मम्मी को। मेरा मुंह फाड़ दोगे क्या? ओए चलो कल शिवरात्रि है, कल व्रत है भाई, लेट हो गया। चलो 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 आ जाओ आ जाओ। पानी पिलाऊं मैं भी व्रत रखूंगा। अबे तो पहले खाना तो खा ले। खा लिया मैंने, पानी पिलाऊं। अच्छा एक टुकड़ा पानी पिलाते हैं भाई, थोड़े भी नहीं है। आ रहा ले पानी पी। अच्छा पिला रहा, लो भाई बस चले ऊपर चले। हाँ बैठो फिर मैं आता हूँ, मैं भी ऊपर जा रहा हूँ भाई। चलो फिर चलो।